हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता फ्रॉम जेम माइंस। कई लोगों की डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज मैं बात करूंगा गोमेद के ऊपर। गोमेद जिसको हेजोनाइट बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा रत्न होता है और काफ़ी लोग इसको धारण करते हैं। ये राहु के लिए माना जाता है। राहु बड़ा प्रबल ग्रह होता है और राहु को ये शांत करने के लिए लोग पहनते हैं। 18 साल की राहु की दशा होती है। अब जब गोमेद की बात करते हैं, आई एम ए टेक्निकल पर्सन, तो मैं गोमेद की बात करता हूँ। गोमेद में कई माइंस का माल आता है। सबसे ज़रूरी होता है हर एक स्टोन के अंदर, जेम स्टोन में एक तत्व जिसे बोलते हैं माइंस, कि कहाँ से पैदावार इसकी है, कहाँ का है, किसको बिलोंग करता है, इसका ओरिजिन क्या है। तो गोमेद का जो ओरिजिन है वो कई सारे ओरिजिन है, जैसे कि उड़ीसा से भी आता है, तंजानिया से भी आता है, और इसको अफ्रीका से काफ़ी गोमेद आता है। लेकिन सबसे अच्छा जो गोमेद माना जाता है वो मानते हैं श्रीलंका का गोमेद, सिलोन का गोमेद। सिलोन में भी कई जगह पाया जाता है। अब इसमें बड़ी हेराफेरी है, लोग इसमें बड़ी हेराफेरी करते हैं। वो गोमेद कुछ भी किसका करके बता देते हैं, तो उसको अब कैसे फाइंड करें। और इसके बाद फिर मैं आता हूँ कि गोमेद की प्राइसिंग क्या लगाएं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नकली और असली की। तो इसमें ना चातम बहुत आ रही है आज के डेट में। हालांकि गोमेद में बहुत सस्ता भी आता है और बहुत महंगा भी आता है, लेकिन चातम बड़ी यूज़ हो रही है। अफ्रीका का गोमेद मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं और उसको सिलोन करके बेच देते हैं। तो जब हम बात करते हैं असली नकली की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोमेद में जैसे आप कुछ भी खरीदते हैं, इसमें आप जैसे ये गवर्नमेंट लैब होती है झंडेवाला में, जैसे IGI जिसे हम बोलते हैं, तो इसका एक सर्टिफिकेट आता है। लोग क्या करते हैं, वो लोकल कोई भी सर्टिफिकेट बना कर दे देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गोमेद का सर्टिफिकेट आता है, ये आप देखिए। इसके अकॉर्डिंग ही अगर आप लें तो फिर आप चीटिंग से तो बच जाएंगे, क्योंकि इसमें सब इंडिकेशन होता है कि ये नकली है, असली है, नेचुरल है, हीटेड है, ट्रीटेड है। क्योंकि आप जो भी स्टोन लेंगे वो नेचुरल, अनहीट और अनट्रीटेड लीजिएगा। नंबर टू, इसमें सिलोन का गोमेद अच्छा होता है। अब होता क्या है कि हम लोग ना क्लैरिटी के ऊपर जाते हैं। अब क्लैरिटी की जब हम बात करते हैं, तो क्लैरिटी कई बार सिलोन के गोमेद में नहीं आती है। जो बिल्कुल सुंदर सुंदर गोमेद दिखाई देगा ना, क्लीन सा, वो हो सकता है कि वो सस्ती रेंज का माल हो। सिलोन का जो गोमेद होगा वो उसमें ट्रांसपेरेंट होगा, अच्छी उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। और अगर मैं आपको इसमें क्लोजअप में भी अभी दिखाऊंगा, इसके अंदर ना रेशा होता है, हल्का सा रेशा होता है, हल्का सा येलोइश एंड रेडिश का मिक्सअप होता है, तो वो सिलोन का होता है। और कोशिश कीजिए कि अगर वो सर्टिफिकेट पे या बिल पे कोई लिख के दे कि सिलोन का है या नहीं है, तो फिर आप बच जाएंगे। अब जैसे आप जेम माइंस में कभी आते हैं करोलबाग में, तो हमारे यहाँ जो गोमेद होता है उस पर सब रेंज लिखी होती है कि ये कहाँ का गोमेद है, इसकी प्राइसिंग क्या है, ये सिलोन को बिलोंग करता है नहीं करता, और फिक्स प्राइस है हमारा, और मार्केट से काफ़ी सस्ता भी प्राइस है, और हमारा एक जेन्युइन काम है, और वही आपको सुंदर सी वो अंगूठी बना के दे देंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समापन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।